रणनीति अपना जो स्ट्रेटजी बनाई थी आपने रखना है कि निकाल दें क्या है? कितना आपने नजरिया कहा, मैं सुन नहीं पाई। तीन महीना हुआ है मेरे को, लिए साल भर रख सकते हैं अपन इनको? अच्छा, साल भर भी लग सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कितनी अवधि के लिए रखना फायदेमंद होगा। अजीत, आपके पास आना चाहूंगी बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इस पर बाय कॉल है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का ही है। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के नीचे 2-3 के आसपास के लेवल्स पर NMDC का स्टॉक चल रहा है। फैक्टर्स जो नियर टर्म में प्ले आउट होंगे और जो वॉलिटिलिटी ये देखेंगे उससे बचने के लिए आप क्या व्यू इनको रेकमेंड करेंगे और अगर कोई स्टॉप लॉस भी इनको रखना हो तो? बिल्कुल कविता, देखिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, जब भी ट्रेडिंग के लिए अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं तो उसको प्लीज स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। आपने 264 के पास लिया था स्टॉक, अभी करीब 222 आ चुका है। आपका अगर लंबी अवधि का नजरिया था देन डेफिनेटली वो फैक्टर्स अलग हो जाते हैं किस तरीके से फंडामेंटल चीजें पैन आउट हो रही है। बट अगर आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा लॉन्ग टर्म में। बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी थोड़ा सा पॉज जरूर देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिली थी मेटल स्टॉक्स में जिसकी वजह से एक रिबाउंड यहाँ पे भी देखने को मिला, बट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन द सेक्टर ये। और जब तक ये 235 का ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक साइडवेज टू नेगेटिव टोन्स में बना रहेगा। ओके, तो नीचे पे मुझे लगता है कि दोबारा से अब इसको 210 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर ये प्रेशर और एक्सटेंड होगा, करीब करीब 190 तक के स्टॉक को ये पुश कर सकता है। ओके, तो आपको ये चाहिए कि 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 235 के ऊपर जो आपको 252-250 का जोन मिलता है वहां पे अगर आपको एक बार को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट।